नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशात। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप को लेकर ईडी की टीम बड़गाई जमीन के बाद बड़गाई अंचल पर पहुंची है। तो ईडी की टीम काफी देर तक जो है वो मुआयना किया गया है, उसके बाद भानु प्रताप को लेकर वहां से वो चली गई। बरियातू के 8 एकड़ से अधिक जमीन के फर्जीवाड़े मामले में ईडी भानु प्रताप से पूछताछ कर रही है। तो पहले बड़गाई गई, उसके बाद जो है वहां बड़गाई में जो जमीन है उससे जो ईडी की टीम है वो पूछताछ करती हुई नजर आई है। अब ये तस्वीरें भी सामने आ गई, जो विवादित जमीन है उसे लेकर यहाँ जो है ईडी पूछताछ यहाँ की है। बड़गाई की ये जमीन है, बड़गाई में ये जमीन जहाँ ईडी की 4 दिनों की रिमांड पर है बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप। तो बरियातू से 8 एकड़ से ज्यादा की ये जमीन फर्जीवाड़े मामले में ईडी कर रही है। इसकी तमाम तरीके से जांच पड़ताल भानु को लेकर ईडी की टीम पहुंची बड़गाई। तो बरियातू के 8 एकड़ जमीन पे यहाँ जो है ईडी की टीम पहुंची है पूछताछ के लिए। बताते चले आपको कि फर्जीवाड़ा ये जमीन है जिसे लेकर अब अधिकारी जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। तो जमीन पर भानु प्रताप से लगातार पूछताछ चल रही है। तो बरियातू के 8 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला भानु को लेकर ईडी की टीम पहुंची बड़गाई जमीन देखने, जिसके बाद बड़गाई जमीन पर भानु प्रताप को लेकर पहुंची टीम की टीम। तो भानु को लेकर यहाँ ईडी की टीम बड़गाई के जमीन 8 एकड़ जमीन को जो है वो देखने के लिए पहुंची और उनसे लगातार जो है वो पूछताछ हो रही है। ज्यादा बातचीत के लिए राकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, हमने देखा कि भानु प्रताप को बरियातू और बड़गाई वाली जमीन के पास ईडी जो है वो लेकर भानु प्रताप को पहुंची है, अभी आप वहां मौजूद है, इस हवाले से क्या आपके पास जानकारी है वो बताएं। अब से थोड़ी देर पहले मैं जमीन पे मौजूद था जिस जमीन को लेकर हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्त में लिया है, और अभी मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो जगह है बड़गाई अंचल, खास करके इसी जगह पे अब जाकर ईडी की टीम पहुंची। और जो जानकारियां मिल रही हैं अंदर से, उसमें यही जानकारी मिल पा रही है कि यहां से कुछ कागजात खंगालने की बात कही जा रही है, और हो सकता है कि जो कागजात थे पहले इनके हाथ आए थे उनमें तथ्यों को तलाशने की कोशिश की जाएगी, और साथ साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही है उसको किस तरीके से साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं ईडी की टीम लगातार कार्रवाई करती जा रही है, और आप देख सकती हैं कि जिस तरीके से ये प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय की गाड़ियां हैं, इसके आगे की गाड़ी भी यहीं पे मौजूद है, 3 गाड़ियों में आई है, इसके साथ साथ प्रशासन की एक गाड़ी है, और साथ साथ मुझे लगता है कि जो सीओ होंगे यहाँ के सीओ उनको भी कहीं ना कहीं साथ में रखा गया है, जिससे अगर किसी तरह की बारीकी को समझने की कोशिश की जाए या कागजातों को खंगालने की बात की जाए तो उसकी जानकारी मिल सके। और ये वही दफ्तर है जिसमें ईडी के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, और इस अंदर जो कागजात बताए जा रहे हैं, पहले भी जिन कागजातों को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और कोशिश की जा रही थी कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्त में लिया था, और इसके बाद से सवाल जवाब का दौर भी चल रहा था, भानु प्रताप को सामने बिठाकर बातचीत की गई थी, और उसके बाद से ईडी की टीम अब यहाँ पहुंची है। और जो जानकारियां खास करके अंदर खाने से मिल रही थी कि कागजातों को खंगालने के बाद से फिर से एक बार बाकी चीजों की तलाशी ली जाएगी और बातचीत की जाएगी, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर अब कोशिश की जा रही है कि जो तथ्य सामने आते हैं। और राकेश, ये बताइए कि भानु प्रताप की तरफ से किस तरीके से क्या सहयोग मिल रहा है, सहयोग वो कर रहे हैं ईडी को? देखिए, ईडी की टीम जब कार्रवाई पहले दौर में कर रही थी उस समय ही सारी चीजों को खंगाल चुकी थी, और जिस तरीके से जो सबूत मिले थे उनको और साक्ष्य मिले थे तो उसके आधार पे भानु प्रताप लगातार कोऑपरेट भी कर रहे थे जैसी कि जानकारियां मिल रही थी। और आज की बातचीत की जाए तो उनकी सहमति से उस जमीन पर उनको लाया गया जिस जमीन को लेकर हेमंत सोरेन को आज ईडी के कस्टडी में रखा गया था और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भानु प्रसाद ने जो जानकारियां ईडी की टीम को पहले दी थी उसी जानकारी
जानकारी के आधार पे सारी कार्रवाई चल रही है और हो सकता है कि जब तमाम चीजों को लेकर जो साक्ष्य होंगे उसको खोजने की कोशिश की जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये जगह जो खास करके अंचल कार्यालय, यहाँ से जमीन की सारी कार्रवाई की जाती है, जमीन को लेन देन की, रजिस्ट्री की और बाकी जो चीजें प्रक्रिया होती है जमीन को खरीदने के लिए या फिर हस्तांतरित करने के लिए, उन सारी चीजों के कागजात तलाशे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जब जानकारियां आएंगी सामने तो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग शेयर जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो भानु प्रताप को लेकर यहाँ पे टीम पहुंची है, ईडी की टीम, और लगातार कार्रवाई तेज होती जा रही है। जी राकेश, ये बताइए कि इसके बाद क्या भानु प्रताप को ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा, इस हवाले से कोई जानकारी आपके पास? देखिए, ये ईडी की तरफ से या बाकी जगहों से जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर में समझ में आएगा कि जब ईडी की टीम यहां से निकलेगी तब थोड़ी चीजें सामने आ पाएंगी कि आखिर किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि ये दो जगहों पे जो उस जमीन से जुड़े चीज है, खास करके जमीन का मुआयना करना ईडी की टीम की तरफ से, और वहां जो लोग रहते थे उनसे जानकारी लेना, और दूसरी चीज की तमाम जो जमीन थे उसके कागजात क्या है, उनके उसके आधार क्या थे और किस तरीके से उस जमीन को हस्तांतरित करने या फिर कब में करने की बात आई थी, तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं इस कार्यालय से तथ्य के रूप में जुटाने की कोशिश ईडी की टीम जरूर करेगी। लेकिन इसके बाद की कार्रवाई क्या होगी फिलहाल थोड़ा कहना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे ईडी की टीम मूव करेगी हो सकता है कि हम उनके साथ चलने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर उनका कदम क्या होता है, किस तरीके की आगे की कार्रवाई हो पाती है। जी बिल्कुल राकेश, आप लगातार नजर बनाए रखें, जैसे ही कोई अपडेट आता है जल्द ही हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो बड़गाई जमीन पर ये ईडी की टीम पहुंची है, जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि टीम जो है वो लगातार ये छानबीन करने की कोशिश कर रही है, दस्तावेज जो है वो जुटाने की कोशिश में है। हालांकि चार दिन की ईडी रिमांड पर भी भानु प्रताप को रखा गया है, तो जमीन के फर्जी वाले मामले में भानु प्रताप को ईडी की तरफ से ये छापेमारी चल रही है। भानु प्रताप को लेकर यहां बड़गाई जमीन पहुंची है ईडी की टीम। तो ये वही जमीन है जहां भानु प्रताप को ईडी की टीम लेकर पहुंची है और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।